आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपको जैसा कि दोस्तों पता है, एक फर्जी आदेश वायरल हो रहा था जिसमें दोस्तों बताया गया था कि आप लोगों का कक्षा 10वीं और 12वीं का 2023 का रिजल्ट एमपी बोर्ड का कितना 15 मई को आने वाला है 1 बजे। ओके, तो मैंने पिछली वाली वीडियो में इसका खुलासा भी किया था कि ये क्या है, बिल्कुल एडिट वाला और क्या है फेक आपका आदेश आपको भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है। इसका जिक्र क्या है न्यूज़पेपर में भी किया गया है। ओके, उसी वीडियो में दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे, सर आपने ये तो बता दिया कि 15 मई को रिजल्ट नहीं आने वाला, फेक न्यूज है, लेकिन असली रिजल्ट कब आने वाला है इस बात को बताइए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी बात को, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो एक पेपर में न्यूज में आया है, ओके, न्यूज़पेपर में आया है 10वीं 12वीं का रिजल्ट की अफवाह, 23 को आ सकता है परिणाम। ओके, इसमें देख सकते हैं क्या बताया गया है, पर क्या है माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 मई 2023 को जारी करने के संबंधित एक फर्जी विज्ञापन, मतलब एक फर्जी क्या है आदेश सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिससे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें दावा किया जा रहा है 15 मई को दोपहर 1 बजे परिणाम आएगा, विभिन्न पोर्टलों पर परिणाम की सुविधा और एड्रेस भी उसमें दिया गया था, मतलब पूरा एकदम सही बनाया गया था एडिट करके। ओके, उसमें देखिए जांच की गई, पत्रिका टीम ने इस पत्र की जानकारी मासिम के अफसरों को दी। इसके बाद देर रात तक मासिम ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। उन्होंने कहा वायरल पत्र फर्जी है, रिजल्ट जारी होने की संभावना पत्र सूत्र संभावना पर सूत्रों का कहना है कि परिणाम 23 मई को जारी हो सकता है। मतलब आप समझ के चलिए, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि आपका जो परिणाम है आपका क्या है 25 मई, मान के चलिए 25 मई तक आपका आ जाएगा। ओके, इसलिए आपको क्या टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, जितने दिन बचे हैं आप सोच लीजिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कौन सी डिग्री वो करना है, कौन सा आपको क्या है कोर्स करना है आगे के लिए। ओके, किस समय कौन सी आपको जॉब करनी है, उसके लिए कौन सी तैयारी करना है, इस बारे में आप क्या सोचिए। जब तक दोस्तों आप भी आने वाले एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 को देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023। जैसे ही सर्च करेंगे सेकेंड नंबर ऐप को आपको डाउनलोड करना है, जिसका आप आइकॉन देख सकते हैं। ओके, जो कि आपको क्या है इंपॉर्टेंट एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या है 5 स्टार की रेटिंग देने के बाद आपको रिव्यू देना है। ओके, ओपन करेंगे तो 10th 12th रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐप की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कीजिए। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।